नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय जगन्नाथ जी। जैसा कि आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसे धन, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम, समृद्धि, सुख सब कुछ मिले, तो इस बारे में जानने के लिए हमारे सूर्य पर्वत को देखा जाता है। लेकिन इन सभी बातों का अनुमान केवल सूर्य पर्वत से ही नहीं लगाया जाता, बल्कि हाथ में और भी रेखाओं को देखा जाता है। लेकिन आज हम सूर्य पर्वत के बारे में जानेंगे, जिससे हमें यह पता चलता है कि आपको आपकी ज़िंदगी में प्रतिभा, यश, सम्मान और सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर आपका जो आत्मविश्वास है लोगों से बात करने का या लोगों को फेस करने का, वो कितना अच्छा है या फिर कितना कम है। हाथ में सूर्य पर्वत हृदय रेखा के ऊपर जो अनामिका उंगली होती है उसके नीचे होता है, मतलब जो आपके हाथ में सबसे छोटे वाली उंगली है जिसे कनिष्ठिका उंगली कहते हैं, और उसके साथ वाली उंगली जो कि अनामिका उंगली है उसके नीचे वाला पर्वत सूर्य पर्वत कहलाता है, जो मनुष्य की सफलता का प्रतीक है। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य पर्वत उभरा हुआ और एकदम साफ सुथरा होता है, एकदम स्वच्छ होता है, तो ये व्यक्ति को प्रतिभावान और यशस्वी बनाता है। साथ ही साथ उन्नत, विकसित और श्रेष्ठ सूर्य पर्वत व्यक्ति को ऊंचा पद दिलाने में भी सहायता करता है। लेकिन वो भी कब आपकी मदद करता है? जब आप अपनी तरफ से कर्म करते हैं, अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में या फिर आपके हाथ में अच्छी लकीरें हैं, जन्म कुंडली में अच्छे ग्रह पड़े हैं तो आपको वो मुकाम मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। उस मुकाम को पाने के लिए भी आपको अपनी तरफ से मेहनत और कर्म करने ही पड़ते हैं, इसलिए ग्रह भी आपकी तभी सहायता करते हैं इन मुकामों को पाने के लिए। जिस व्यक्ति का सूर्य पर्वत काफ़ी अच्छा होता है, उभरा हुआ होता है, तो ऐसे लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी उतना ही अच्छा होता है। मतलब दूसरों से बात करने में भी ऐसे लोग हिचकिचाते नहीं हैं, स्पष्ट अपनी बात उनसे कह देते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो नेचर होता है वो भी स्वभाव से हंसमुख, मिलनसार, घुल मिलकर रहने वाले, सबसे मतलब घुल मिलकर रहने वाले, छा जाने वाले व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग। साथ ही साथ इनकी जो बातें होती हैं वो एकदम दूसरों के लिए उदाहरण सा बन जाती हैं, क्योंकि जो सूर्य ग्रह है वो लीडरशिप का कारक ग्रह है, एकदम आत्मविश्वास का कारक ग्रह है, आत्मा है हमारी। तो जिस व्यक्ति का सूर्य पर्वत अच्छा, उनमें आत्मविश्वास भी उतना ही कहीं ज़्यादा होता है। मतलब जो भी वो काम करते हैं वो अपने आत्मविश्वास से करते हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं, अगर वो नेतृत्व भी करते हैं, मतलब अगर लीडर भी बनते हैं, तो उसमें भी इन लोगों को काफ़ी अच्छी सफलता मिलती है, क्योंकि ऐसे लोग लीडरशिप प्रिय भी होते हैं। ऐसे लोग यश, सम्मान के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। जब तक इनको इनके मुताबिक यश, कीर्ति नहीं मिल जाती, तब तक ये अपने काम मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं। जिनके हाथ में सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा भी है जो कि बिना टूटी फूटी एकदम स्पष्ट है, तो ऐसे लोग अपने व्यापार में भी लाभ उठाते हैं, अपनी प्रतिभा के बल पर धनोपार्जन करते हैं और अपने एक ही काम को लेकर आगे बढ़ते हैं। जिस भी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत अच्छा होता है, एकदम उभरा हुआ होता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अनपढ़ होने के बावजूद भी श्रेष्ठ, धनी और संपन्न होते देखे गए हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों का सूर्य पर्वत बहुत ही दबा हुआ होता है, ऐसे लोगों का आत्मविश्वास भी बहुत कम होता है, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों को फेस करने में बहुत झिझकते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग साधारण सा जीवन बिताने के लिए बाध्य होते हैं। प्रतिभा, यश, सम्मान, सफलता, ये सब इन लोगों को ज़्यादा मिलती नहीं है। ऐसे लोग दूसरों का नेतृत्व कर पाने में भी असमर्थ साबित होते हैं। लेकिन केवल सूर्य पर्वत के ऊपर ही इन सब बातों का अनुमान न लगाएं, क्योंकि इन सब बातों को जानने के लिए और भी कई रेखाओं को देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य पर्वत बुध पर्वत की ओर झुका होता है, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में ऊंची सफलता को प्राप्त करता है। सूर्य सफलता का कारक ग्रह और बुध व्यापार का, और
इन दोनों का मेल सफल व्यापारी बनने में एकदम सहायक होता है। यदि सूर्य पर्वत शनि पर्वत की ओर झुकता है तो ऐसे व्यक्ति में तमोगुणी प्रवृत्तियों का विकास देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को अकेला रहना पसंद होता है। रुदन की भावनाएं भी बढ़ जाती हैं। कार्य करने में शिथिलता आती रहती है और धन की कमी ऐसे लोगों को बराबर बनी रहती है। किसी भी एक काम को ऐसे लोग पूर्णतः संपन्न नहीं कर पाते, बीच में ही उस काम को अधूरा छोड़ देते हैं और फिर दूसरा नया काम शुरू कर देते हैं। अतः आपकी हथेली में या फिर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह अगर अनिष्ट है तो वो आपको सिर से रिलेटेड या फिर नेत्रों से रिलेटेड पीड़ा देते हैं। और इसके लिए ये रेमेडी बनती है कि नित्य प्रतिदिन आप सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और उनके मंत्रों का उच्चारण करें, या फिर आप रविवार के उपवास भी रख सकते हैं लेकिन उन्हें शुक्ल पक्ष से ही शुरू करें। साथ ही साथ अगर आप सूर्य से रिलेटेड कोई दान करना चाहते हैं तो उनकी दान की वस्तुएं हैं गेहूं, तांबा, गुड़, खस, पुष्प जो लाल रंग के पुष्प होते हैं और लाल चंदन। आप इन सभी वस्तुओं में से किसी का भी विधिवतपूर्ण दान कर सकते हैं। और इन सब उपायों से सूर्य ग्रह के अनिष्ट प्रभाव भी जल्द ही कम हो जाएंगे।